Hello everyone. Now we will learn about SST. In SST we had started the chapter number 10 in the previous periods. In this chapter we had learned about India's rich heritage. In this chapter we had seen about monuments and buildings like Taj Mahal, Red Fort, Konark Temple, Ajanta and Ellora Caves. Like this, we had seen these monuments and temples. And afterward, we had seen about epics and folk tales. Ramayana and Mahabharata, these two epics, we had learned about that. And I know all of you had seen in TV also. And at the last, we had talked about folk tales. Folk tales, yani ki lok vartai. So here one Jatak tale is written here, and that we will see. Now we will read the Jatak tale about two deer. Two deer, a Jatak tale. What is Jatak tale? Jatak tale means like Panchatantra, Akbar Birbal stories. These are the famous folk tales. Like this Jatak tale is also like that folk tales. Now we will read one Jatak tale. Two young deer lived with their father and mother and many herds of deer in a forest. One day their father called them and said, "Dear children, the time has come for the corn in the fields so ripen. Fields to ripen. It is a time of great danger for us when the corn is ripening in the field. The hunters set their traps there to catch us. It will be best for both of you to go away for a while." जंगल में दो डियर उसके पेरेंट्स के साथ रहते थे और उनके जैसे बहुत सारे और डियर, बहुत सारे डियर के झुंड, हर्ड ऑफ डियर मींस डियर के झुंड रहते थे। एक दिन जो फादर डियर था उसने अपने बच्चों को बुलाया और बोला कि अब ये जो टाइम है वो कौन जो फील्ड में है वो पूरे पक गए हैं, तो अब ये समय पे यहाँ पे जो हंटर्स यानी कि जो शिकारी आते शिकारी होते वो यहाँ पे आते हैं और ये समय पे हमको वो पकड़ने का जाल बिछाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सेफ है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। इट विल बी बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू टू गो अवे फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आप यहाँ से चले जाइए। ईच वन of you must also take a small herd of young deer with you. Keep it safe. और आप लोगों के साथ ये जो यहाँ पर यंग डियर है उन सबको आप अपने साथ लेके जाओ और उनको सेफ रखो। The children asked their father, "Dear father, will you be accompanying us?" फिर जो चिल्ड्रन डियर थे उन्होंने फादर डियर को पूछा कि क्या आप हमारे साथ आओगे। द फादर रिप्लाइड, "नो, देर इज इनफ फूड फॉर मी एंड योर मदर हियर." फादर डियर ने बोला कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगा, मेरे पास मेरे और आपकी मम्मा के लिए फूड इनफ फूड है। वी विल स्टे बैक विथ सम ओल्ड डियर, हम यहाँ पर कुछ जो ओल्ड डियर है उन्हीं के साथ यहाँ पर रुकेंगे। बट यू मस्ट लिव विद द यंग डियर एज देर इज नॉट इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, पर यहाँ पर इतना फूड नहीं है कि यहाँ हम सबको वो हो जाए, तो आप जो यंग डियर्स हैं वो सारे मिलके
यहाँ से चले जाओ और अपने लिए फूड लेके आओ। वो कहाँ से फूड लेके आएंगे? एट द हिल्स यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड टू कीप योर सेल्फ अलाइव टिल द टाइम द कॉर्न इन द फील्ड्स इज हार्वेस्टेड एंड इट इज सेफ टू रिटर्न। यहाँ पर जो पास में जो हिल से है वहां पर आपको बहुत सारा फूड मिलेगा, तो वो आप वहां से वो फूड ले सकते हैं तब तक। और यहाँ आपको तब तक नहीं आना है कि जब तक ये कौन का जो कौन जो पूरे पक गए वो जब यहाँ से सब निकाल के नहीं ले जाते हैं, उसकी खेती जब तक नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको वहीं पर रुकना है और उसके बाद ही आपका यहाँ पर लौटना सेफ होगा। ही फर्दर इंस्ट्रक्टेड देम, रिमेम्बर टू ट्रेवल बाय नाइट बिकॉज हंटर्स विल सी यू इफ यू गो बाय डे। यू मस्ट नॉट टेक योर हर्ड नियर द विलेजेस वेयर हंटर्स लिव। और आपको ये याद रखना है कि आप जब भी ट्रैवल करो तो वो आपको रात को ही ट्रैवल करना है। अगर आप दिन में ट्रैवल करोगे तो हंटर्स यानी कि शिकारी आपको देख लेंगे। तो और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ यू मस्ट नॉट टेक योर हर्ड नियर द विलेजेस वेयर हंटर्स लिव। आपको किसी गांव के नजदीक नहीं जाना है कि वो गांव है कि जहां पर ये सारे हंटर्स यानी कि शिकारी रहते हैं। सो बोथ टूक वन हर्ड ऑफ यंग डियर ईच एंड सेड गुड बाय टू देयर पेरेंट्स। द एल्डर डियर रिमेम्बर्ड हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन वर्ड बाय वर्ड एंड ऑलवेज ट्रेवल एट नाइट। फिर वो जो दो डियर थे वो दोनों ने अपना एक एक हर्ड यानी कि अपना एक एक झुंड, जो डियर का झुंड था, द ग्रुप ऑफ डियर मतलब कि बहुत सारे डियर, तो दोनों डियर ने अपना अपना झुंड लेके वो लोग वहां से निकले। और जो बड़ा डियर था उसने अपने पापा उसके उसने अपने फादर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग वो हमेशा रात को ही ट्रैवल करता था। ही नेवर अलाउड एनी डियर ऑफ हिज हर्ड टू गो नियर एनी विलेजेस। और वो अपने साथ जो हर्ड था, जो डियर का झुंड था, उसमें से किसी को भी वो गांव के नजदीक नहीं जाने देता था। बट द यंगर डियर इज इग्नोर्ड हिज फादर्स एडवाइस। पर वो जो छोटा वाला डियर था उसने अपने फादर की एडवाइस को माना नहीं। ही फियरलेसली ट्रेवल इन द डे लाइट एंड वेन ही सॉ अ विलेज ही लेड हिज हर्ड राइट पास्ट इट। द हंटर्स वेर एबल टू क्लियरली स्पॉट द हर्ड, दे किल्ड मैनी डियर फ्रॉम हिज हर्ड। तो वो जो छोटा वाला डियर था उसने अपने फादर की एडवाइस नहीं मानी और वो फियरलेसली मतलब कि बिना डरे वो दिन में भी ट्रैवल करता था। और अगर जब उसने एक गांव देखा तो वो सारे डियर को लेके वो गांव में चला गया। तो हंटर्स वेर एबल टू क्लियरली स्पॉट द हर्ड। और फिर जो शिकारी थे वहां गांव में, तो शिकारी होते हैं, तो वो जो सारे शिकारी थे उन लोगों ने ये डियर को देखा और उनको आराम से मार सकते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ डियर को मार दिया। जो छोटा वाला डियर अपना जो हर्ड लेके गया था, अपना जो झुंड लेके गया था, उसमें से कुछ डियर को वो हंटर्स ने मार दिया। वेन द क्रॉप हैड बीन कट द डियर स्टार्टेड रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट। और फिर वो जो कॉर्न का जो क्रॉप था वो पूरा कट चुका था, उसकी खेती भी हो चुकी थी, तो अब धीरे धीरे करके सारे डियर जंगल की ओर वापस जाने लगे। द एल्डर डियर प्राउडली केम बैक विथ ऑल द डियर ऑफ हिज हर्ड व्हाइल द यंगर कुड ब्रिंग बैक ओनली अ फ्यू। जो बड़ा डियर था वो तो पूरे गर्व से जंगल की ओर लौट रहा था क्योंकि वो अपने हर्ड में जितने भी डियर लेके गया था वो सारे डियर वो वापस लेके
आ रहा था, पर जो छोटा वाला था उसके झुंड में से, उसके हर्ड में से कुछ डियर, सिर्फ वो कुछ डियर ही लेके आ सका, क्योंकि वो डे लाइट में, मतलब कि दिन में भी ट्रैवलिंग किया उसने, और गांव के अंदर भी वो चला गया, कि जिसकी वजह से जो हंटर्स थे उन्होंने उसके हर्ड के कुछ डियर को मार दिया। दैट इज वाई इट इज सेड वी मस्ट नेवर इग्नोर द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। और इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने एल्डर्स की जो भी एडवाइस होती है, जो भी हमें सलाह देते हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद आप लोग भी कई बार ऐसा करते होंगे कि आपके मम्मी पापा आपको कुछ भी ना करने को बोले तो आप बोलते, नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो आपको हमेशा आपके पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, और वो जैसा बोले वैसा ही आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, तो आपको गाइड करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ है, तो आपको हमेशा उनकी बातें माननी चाहिए, ओके? और उनकी बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए या अनसुना नहीं करना चाहिए, जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं वैसे ही करने चाहिए, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा नॉलेज होता है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो यू शुड लिसन टू देयर एडवाइजेस एंड यू मस्ट नेवर इग्नोर द एडवाइस। आपके एडवाइस, आपके एल्डर की जो भी एडवाइस है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज द जातक टेल फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड नाउ वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंड आफ्टरवर्ड्स हियर आर गिवन न्यू वर्ड्स दैट वी विल राइट इन द नोटबुक, एंड देन पॉइंट्स टू रिमेम्बर, दिस इज द रिवाइज टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर दैट वी हैड लर्न इन द चैप्टर, एंड नाउ हियर एक्सरसाइज ओरल क्वेश्चन दैट वी विल राइट इन द नोटबुक, एंड हियर टेस्ट योर सेल्फ, दिस MCQs are given that we will write in this textbook only, and of course question answers that is given on the next page that we will do in the notebook. So I will send the PDF for both textbook and notebook, and you have to write it in your textbook and notebook both. मैं notebook और textbook दोनों की exercise आपको भेजूंगी, तो वो आपको आपकी book में complete करना है. So I hope all of you understood this. So keep writing, keep learning, and I hope all of you understood this. Thank you and have a nice day.